हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है होयस्मी का व्रत, तो आज हम आपको दिखाएंगे होयस्मी का व्रत कैसे रखते हैं। तो मेरे साथ है मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी, हम इकट्ठे बैठ के व्रत करते हैं। आने आप भी कथा सुनोगे? मैं कितने? अच्छा, ये भी है। इसने व्रत नहीं रखा क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे नहीं हुए, इसलिए वो तो माँ रखती है ना व्रत। तो फिर क्या हुआ, पति भी रखते हैं क्योंकि बच्चे तो उनके भी होते हैं। पापा, अब हरियाणा में तो बड़ी बड़ी मटकियां होती हैं, वो रखते हैं। अब यहाँ पे तो हम जैसे काम चलाऊ, ये छोटी छोटी मिलती हैं, ये मटकियां लेके इनमें पानी भरना होता है। फिर ये दिवाली के बाद ही उठती है, जैसे दिवाली की कथा अब हमारी यहीं पे ही होगी। और हमें सूट रखने होते हैं अपनी सासू माँ को देने के लिए, तो हम सब ने ये सब रखे हैं। ये हम मिनस के अपनी सास को देंगे। अभी हम कथा स्टार्ट करेंगे, ये हमारी बुक है, तो इसमें हम कथा पढ़ के उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? फिर शाम को पूजा करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इस दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी सात सातवें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम चुराई गाय की पूजा किया करो, चुराई गाय स्वयं माता की बाहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद जब बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सोई ही गाँव गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती थी, तो गाय तो गौ माता बोलती कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे बोली क्या मांगती है, तब उसकी जुई निकाल दी। इस प्रकार श्याम माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे सात बेटे और सात बहुएं होंगी। वह बोली, मेरी तो एक बेटा और एक बहू, एक बेटा भी नहीं है, सात कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकारनी की बहू बोली, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है, यह तू सुन। श्याम माता बोलेगी, तूने तो मुझे ढक लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में सात बेटे सात बहू, तू जा उजमन कर, सात कुड़िया बना, सात कढ़ाई बना। वहाँ लौट कर घर आई तो उसने देखा कि सात बेटे और सात बहुएं बैठी हैं। वह खूब खुश हो गई, उसने सात होड़ियाँ बनाई, सात उजमन किए। श्याम माता, जिस प्रकार साहूकारनी की बहू की कोख खोले उसी प्रकार हमारी भी खोलो, कहने वाले की भी सब परिवार की कोख खोलो। होई माता जी जय, जय हो माता जी। दो हो तो गई, दो ही तो पड़ी है। दो थी ना, ना। ये तो मन्ने भी आया करें, ये तो मन्ने भी आवे हैं पढ़ने। जय हो माता की, होगी ना कथा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ओए खड़े हो ले बड़को, हैं? मैंने वीडियो अपलोड करनी है माँ का सब। बताइए, बहुत टाइम लगे यार सच्ची में। ये यार देखो, चाय बनवाने की उतावले हो रहे हैं। आज हमारा व्रत है, चाय तो पिला ही सकता है। मैं पिला दूंगा चाय, कोई दिक्कत नहीं है। तू हमारा बच्चा है ना? हाँ। तो हमने तेरे लिए भी व्रत रखा है, चाय बना। तो चाय पी लेंगे हम, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे वीडियो तो अपलोड कर दूं मैं, पहले चाय फिर वीडियो। वहीं पे खड़ा होके कर, पहले हमारे उसके बाद व्लॉग डल जाएगा। चलो ठीक है, चाय बनाता हूँ। ओके, अब बंद भी कर दे, बेइज्जती सारी अभी कराएगा। हाँ, थम जो मैं ऑर्डर दे होने वो सारी रिकॉर्ड होगी इसमें, तो वो तो डालेंगे नहीं ना। ना डालेंगे। तो भाई रात हो चुकी है, और जो बताया था कि पूजा का टाइम हो गया, तारे निकले, ताले कहूँ मैं भी, तारे यो रे तारे आपके, ये मेरी दो आंख के तारे, मैं तारा ही तारी, तारी आनिया तारी। अभी बाहर जाऊंगे यार, और इनकी पूजा दिखाऊंगे कैसे होती है पूजा। बच्चों की पूजा होगी, बच्चों ने देख के पूजा होगी। ओके, ये देखिए भाई,
आन्या बेदी जाओ जाओ हमारी प्लेट आन्या की तो करो, आन्या तक पहुंचते ही नहीं। भाई आवाज चल रही है थोड़ी सी और दिया बार बार बुझ रहा है। अरे वाह जाओ तीन बार नहीं कराया रे चौथी बार कर ओके चलो भाई अब ठंड बहुत ज्यादा यार बर्फ गिरने वाली है बस दो एक दिन बाद बर्फ गिर जाऊगी यहाँ पे पक्की बात है यार सच्ची में बर्फ चालू हो जाओ और ठंड हो रही है यार बहुत ज्यादा गेट बंद कर दो भाई आन्या जाओ यहाँ का भी यहाँ भी पूजा करोगे आप कर दिया खेलने बाय आन्या बाय आन्या गुड नाइट करो गुड नाइट आन्या अब हम खाना खाएंगे हाँ अब हम व्रत को ऐड करेंगे जय बाबा की जय हो अष्टमी की हाँ सबके बच्चों को लंबी उम्र दे माता रानी जय हो